हेलो जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड लेकर आ गए शार्क टैंक का सेकंड सीजन का रोस्ट बाय धीरू मोंचिक, हमारे फेवरेट, आप सबके भी फेवरेट बन जाएंगे अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो। सो ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगी, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताने की और किसके वीडियोस पर रिएक्शन चाहिए है। और अगर आप लोगों का दिल करे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो। चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्की कैटरीना का हैशटैग विकेट, विराट अनुष्का का विरानु, विरुष्का, रणवीर दीपिका नहीं बोलना चाहिए। अरे मित्तल साहब, जिस तरह की चीजें इस बार के शो में बोले जा रही है उससे अच्छा तो तुम यही बोल देते। ओहो, सो हे गाइस, इट्स मी धीरू मोंचिक। एंड गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। ये हमारा नया सेटअप, बताना कैसा है? अरे भाई, हर दूसरे दिन सेटअप भी बदलता रहता है। किसी के घर में भी जाके घुस जाता है क्या कमरे में? मुझे एक घंटे के लिए वीडियो बनाने दे दो। नहीं भाई, अभी यही रहेगा, तुम बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, आज हम बात करने वाले एक ऐसे पारिवारिक और धारावाहिक शो के बारे में जिसके खिलाड़ी पिच पर नहीं बल्कि पिच के साथ खिलवाड़ करते हैं। मानो शो में छुटियापा तो इतना बढ़ गया है कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही सोनी द्वारा एक मिनट का डिस्क्लेमर चलाना पड़ता है। अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटाएं। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गेस किया है। आज हम बात करने वाले शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के बारे में। मैं दिल्ली से हूँ और मैं लाई हूँ अपना ब्रांड मैजिक ऑफ मेमोरीज। मैजिक ऑफ मेमोरीज एक ऐसा अनोखा ब्रांड है जो आपके डीएनए को आर्ट फॉर्म में प्रिजर्व करके एक खूबसूरत कस्टम मेड ज्वेलरी बनाता है। डीएनए की ज्वेलरी? अरे मैडम, ये डीएनए जो है ना, मेरी फ्लश में अच्छा लगता है। गले में नहीं। अरे नहीं मैडम जी, तुमने ये किस मीठी बाबा जी का हिसाब कर दिया। औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ। वो उसके छोटे कपड़े, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, सब कुछ प्रिजर्व करके रखती है। अभी जो थोड़ा सा सीरियस सा माहौल शुरू हो गया, सब लोग जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या सेव करके रखना चाहिए एक औरत को, मतलब क्या वो रखना चाहती है, आओ सुनते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई प्रिजर्व नहीं करता और वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ का दूध। ओ भाई, मैं दिल्ली से हूँ। अरे दीदी, दिल्ली में डीएनए से जो है केस सुलझाया जाता है, आपने तो मोती ही बना डाले। अरे दीदी, ये इनोवेशन नहीं है, पागलपंती है, ढंग के काम करो यार कुछ। इसके अलावा हम पेट डीएनए और ब्लड की ज्वेलरी भी बनाते हैं। दोस्तों, सोना चांदी है भार में, आपके गले में डायनासोर का मुठ मारा हुआ लॉकेट। दीदी, ये जो प्रोडक्ट है ना तुम्हारा, इसे कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका में जो है ना एक से बड़े डॉक्टर पड़े हैं। मैं सही बताऊं ना, प्रोडक्ट बनाने में इन दीदी से ज्यादा मेहनत तो मेले पे बैठ के वो चावल के ऊपर नाम नहीं लिख रहे होते हैं, वो कर देते हैं। ये बिजनेस में है, इनके ब्रदर इन लॉ के साथ हमारा काम है सिंस 1998। तो ये 2018 में जब हमारे पास आए तो स्पॉन्टेनियस हमने पूछा क्यों ना हम ये काम करें, तो उन्होंने कहा कर लो, तो हमने 2 घंटे में अपनी कंपनी बनाई। भाई इन्होंने तो 2 घंटे में कंपनी खोल के डाल दी, यहाँ तो 2 घंटे किताब खोलने से पहले सोचना पड़ता है कि पढ़ने बैठो नहीं बैठो। पहले तो 2 घंटे में कंपनी खोलने का आइडिया तो मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बहुत देखे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि बाप की जमीन के कागजात गिरवी रखने में डर लगता है, स्टार्टअप डूब जाए। भाई अभी मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर कैसे अपनी कंपनी आगे खोल सकते हो, बट तुम्हें मैं जरूर बता सकता हूँ कि कैसे तुम सुपी पे जाके छोटे मोटे गेम्स खेल के बड़े बड़े कैश प्राइजेस जीत सकते हो। सुपी पे मिलने वाले आपको बहुत सारे गेम्स, तुम अपना थोड़ा सा टाइम देके खेल सकते हो, उन्हें विन करने पे तुम्हें कैश प्राइजेस मिलेंगे। मेरा जो यहाँ पे फेवरेट गेम है वो लूडो है, मैं फ्री टाइम में वही खेलता हूँ। और तो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि तुम यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही इजीली तुम्हारी विनिंग अमाउंट होगा उसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये 100% सेफ एंड ट्रस्टेड है। अगर अभी तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करोगे तो तुम्हें मिलने वाले 10 रुपए एकदम फ्री। तो जाओ जाके zoopy.com पे खेलो और जीतो बहुत सारे कैश प्राइजेस। ऐप डाउनलोड करो सिर्फ zoopy.com से। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। पता है कि आपकी किचन में बहुत बड़ा खजाना है? ओहो हाँ, मैं एकदम सही कह रही हूँ, हमारी किचन में भी खजाना है। जो बहुरानी हमारे दहेज में बर्तन लाई थी वो खजाने से कम थोड़ी है, वो बात अलग है, बस कि ससुर जी ने फॉर्चुनर नहीं दी। साले नल्ले, फॉर्चुनर चाहिए तुझे, दो पैसे कमाता नहीं है। लग जाती हमारी भी सरकारी नौकरी, फिर एक क्या दो दो फॉर्चुनर मिलती। और उसके बाद आगे एजुकेशन, इसके बाद रशियन, इसके बाद हमने बीए किया था यूनाइटेड स्टेट्स में। अरे मैडम आप गलत शो में आ गई हो, ओरिजिनल वाले में जाओ, शार्क टैंक यूएसए। ठीक है, लास्ट
लास्ट टाइम जो हुआ था बेइज्जती काफी, ये टाइम आपको वो नहीं दिखेगा। यस यस सर, एकदम सही कह रहे हो। इस बार जो शो पे एंटरप्रेन्योर्स की बेइज्जती नहीं हुई है, क्योंकि शार्क्स ने अपनी खुद की बेइज्जती इतनी ज्यादा करवा ली है, उनकी बेइज्जती कुछ लगी नहीं रही है। पैराडाइज एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाई, ताकि आपको किसी भी कलर को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना देना पड़े। अच्छा, तो बालों में शाही पनीर की ग्रेवी गिरवाने के मैं 200 फेंक दूं? इसे तुम्हारी भाषा में फैशन बोलते होंगे, हमारे यहाँ जो इस जिदी बन की कुल्लियों का शिखार बोला जाता है। अरे भैया कैमरा से मुंह हटा ले, इंसानी रूप में जो है मोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मोर मूत का भाग्य होते हैं। मैडम जैसा कलर ये तुम बेच रहे हो ना, सेम ऐसा ही कलर लगा के अभी से 4 साल पहले लॉन्डे अपने हीरो होंडा पे जनरल स्टोर बाहर मिलते थे। मुझे मछली बाजार ज्यादा लग रहा है यार। नहीं मेरे प्यारे साथ, अगर ऐसी ही लड़ाइयां लड़नी है तो दो गली छोड़ के बिग बॉस का सेट लगा हुआ है, वहां जाके लड़ाई कर लो, वहां पे लड़ने पे जो है पैसे कटते नहीं मिलते हैं। और विनीता जी, अगर आपको भागने का इतना ही शौक है तो शो से भागने का ट्राई करो ना। नहीं यार, ये सब देखने के बाद मेरा ये कहने का मन है, ये सब दोगलापन है। वैसे दोगलेपन से याद आया, अश्लील ग्रोवर भाई, अश्लील ग्रोवर बोल दिया मैंने, अश्लील अश्लील कह रहा था मैं पिछली दो बार से। तो सीजन 2 में द टॉक्सिसिटी इज आउट। टॉक्सिसिटी इज आउट फ्रॉम द शो। नहीं मैडम जी, अगर ये सब चीज चल रहा है, ये क्या है, श्री राम रहीम जी के दोहे चल रहे हैं? हमें भाई वही तो एक रियल बंदा था जो कुछ भी कह देता था किसी के भी सामने, वो इस बार शो पे नहीं, आधी टीआरपी तो शो की वैसे ही गिर गई है। और यार तन्न भैया, या तो तुम ऐसे इंटरव्यूज लेना छोड़ दो या फिर यूट्यूब। पूरे यूट्यूब पे मुझे कोई हंसने के मामले में हरा सकता तो वो तुम ही हो। तो दोस्तों, इस बार अश्विन ग्रोवर की जगह जो है हमारे अमित भाई आए हैं। अरे नहीं अमित भड़ाना, नहीं भाई अमित भाई कास्ट 24 वाले। अमित भड़ाना और इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है नहीं, इनको देसी बनाना पसंद है और इन्हें देसी की गैर आपको चला। अरे यार अमित भाई, मैं क्या कह रहा, लगे हाथ जो मेरी अंटो दिखवा दो। मस्त है, आज में टिच लगती है एकदम, एवरेज भी बढ़िया देती है, बस वो बात अलग है कि लंबे रूट पे ले जाते हैं तो फिर एक दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ती है उसे घर लाने के लिए। आप क्या ड्रामा स्कूल में थे, कॉलेज? पिछला सीजन 5-6 बार देख लिया था सीधे से। अरे बड़े भाई, पिछला शो तो तुमने 4-5 बार देख लिया, लेकिन इस बार का शो जो है एक बार भी मत देख लियो, फालतू में आगरा मेंटल हॉस्पिटल का एक पेशेंट पड़ जाएगा। ओह माय गॉड, एटलीस्ट आपके पैसे के साथ साथ खून भी तो बढ़ेगा ना सर। हंसने से खून बढ़ता है बोलते तो। अच्छा सॉरी जी, वाह वाह विनीता जी, आप ऐसे ही हंसो, क्या था ये? आपकी बॉडी को जरूरत भी है खून की। इनको दिमाग में खून की जरूरत है। मैं कहा अनुपम भाई, यार तुमने दिमाग का जिक्र कर ही दिया तो खून से पहले इन्हें दिमाग की भी जरूरत है। इंट्रोड्यूसिंग कोइजी स्लीप, इंडिया का पहला वेरिएबल स्लीप रिलैक्सर। अनुपम सर आप आए, चल हम ट्राई करेंगे साथ में। साथ में? अरे भाई यार, ये चार टैंक के नाम पे क्राइम पेट्रोल का कौन सा एपिसोड शूट हो रहा है? ट्राई करेंगे साथ में। साथ में? भाई ए, और भाई तुझे ज्यादा शौक है लौंडों के साथ लेटने का, कहीं तू इंस्टाग्राम पे मुंह से जट्टाना को फॉलो तो नहीं करता? और अनुपम भाई सरमाना कैसा, Saadhu.com पे पार्टनर मिलने से अच्छा यहीं पे मिल जाए। हम ट्राई करेंगे साथ में। साथ में? अरे अनुपम भाई, इसे पहनने से पहले जैकेट उतार दो, या फिर जैकेट नहीं अनुपम भाई, पहले बैग निकालो, किसी पे इस्तेमाल करने का बहुत मन कर रहा है। अबे नहीं भाई, ये क्या प्रोडक्ट बनाया तूने, साला पेटीकोट जैसा लग रहा मुझे तो देखने पे, इससे अच्छा तो स्लीपिंग बैग आता, उसमें कोई घुस के सो लेगा। को मतलब पूरी तरह करके लेटना मेरे लिए नामुमकिन। कोई लड़की आई थी शो के अंदर, इनका जो है फूल का बिजनेस था। ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है, I'm sure overall decline। पूजा था कुछ, मैं भी करूँ। बट पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तो मैंने कभी खरीद के चढ़ाए भगवान को फिर नहीं चढ़ते। अरे विनीता जी, तुम तो पूजा के बाद सीधे प्रसाद लेने जाती हो, तो तुम्हें क्या पता कि पूजा के टाइम फूल चढ़ते हैं नहीं चढ़ते हैं? अभी शांत मन से पूजा में नहीं बैठो। जैसे कि तुमने सुना, मैडम का कहना था पूजा के लिए फूलों का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग नहीं है, लेकिन जब इन्होंने इनकी सेल्स जानी तो लालच से मुंह खुला का खुला रह गया। अगस्त का फर्स्ट मंथ जब हमने 1 करोड़ सेल्स,
क्या कह रही हूँ मैडम, इतना तो मेरी कंपनी भी सेल नहीं कर पाती मंथ में। आपने लगा ये जो नाम है ये इन अ वे अच्छा नाम भी है, बट इन अ वे मतलब नेगेटिवली भी परसीव हो सकता है, इट्स अ रिस्की नेम। ये आपको किसी ने गिरगिट बुलाया क्या? अरे विनीता जी, ने किसी ने गिरगिट कह के बुलाया हो ना बुलाया हो, लेकिन पिछले शो के बाद तुम्हें पूरे इंटरनेट पर राजू की माँ कह के जरूर बुलाया गया है। 12 रुपए किलो हो गई है और वो भी 10 की। अरे सच में दिख रही है सारे देश में, और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज। लुक वाइज नहीं लग रही। क्रिकेट का तो नहीं पता, लेकिन शो ने जरूर रंग बदल दिए। कब शार्क टैंक से इंडियन आइडल बन गया कुछ पता ही नहीं चला। अमन इज लाइक थ्रू आउट द शो लाइक नो, ही स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग, ही लाइक ही विल स्टार्ट गोइंग लाइक दिस 15 मिनट्स 20 मिनट्स 25। नहीं दीदी, बहुत बहुत खराब एक्टिंग करी है। इतनी अच्छी एक्टिंग तो तुमने थ्री इडियट में ही कर ली थी। शॉर्ट्स में जो है ना आया था वो बस। और अभी कभी मुझे देखने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हाँ रोज क्योंकि नाम इतना सुना है तो दर्शन भी तो वैसे होने चाहिए है ना, तो वैसे कोई दर्शन मुझे मतलब ये रोज पे से समझ में आ गई नहीं होगा कुछ भी, और पता नहीं मुझे वो ऐसे लगता है कि टाइम पास थोड़ा सा, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है आप लोग समझ जाओ, तो इसके वजह से हाँ अगर किसी को बेनिफिट्स हुए तो वो बहुत अच्छी बात है उसके अंदर, ठीक है। बट चलो ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो मैं ही यहाँ पर बोलना शुरू करती हूँ तो रोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो मुझे सबसे ज़्यादा मेरा ये मेन जो वीडियो देखने का मतलब था, मकसद था, नॉट मतलब था, कि मुझे धीरू मांझी का देखना था कि वो किस तरीके से रोस्ट करते, वैसे उसके अंदर तो कोई भी दो राय है ही नहीं, उसके वीडियोज ही इतने अच्छे होते हैं। मुझे सबसे 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 बेस्ट पार्ट लगता है उसका एडिटिंग, एडिटिंग के ऊपर बहुत 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 अच्छा वर्क है, बहुत अच्छा हाथ चलता है उनका। अगर वो खुद से एडिट करते हैं या किसी और से करवाते हैं तब भी उनका एडिटर भी फिर बहुत अच्छा है अगर वो किसी और से करवाते हैं तो। एंड क्या ही बोलूं, रोस्ट बहुत अच्छा, 2-3 जो है ना पंच लाइंस बहुत अच्छे थे उसके अंदर के, अभी वो मुझे याद नहीं आ रही लेकिन बहुत अच्छा था, ठीक है। एंड यस, वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले वही आप लोगों से जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट मेरी सुनते नहीं हो, चले जाते हो डायरेक्टली, तो ऐसे करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफकोर्स जो है धीरू मांझी के फैंस के साथ में भी। एंड मुझे यहाँ तक देख लिया है तो वापस याद दिला दूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां पर भी जाकर जरूर चेक कर सकते हो, वहां पर मैं चैलेंजेस एंड मैं ब्लॉग्स जो है पोस्ट करती हूँ। तो फिर यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।